हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिससे आप काफी सारे सोशल मीडिया नेटवर्क से कोई भी वीडियो या इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें आपको काफी सारे टूल्स मिलते हैं जिससे आप किसी भी वीडियो को ऑडियो में या जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, ईशान मीडिया डाउनलोडर। आप इसको डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने पर आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इसको कुछ परमिशंस देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी टूल्स अलग अलग रखे हुए हैं। जैसे कि अगर आपको इंस्टाग्राम से कोई वीडियो या फोटो डाउनलोड करना है तो आप इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, इंस्टाग्राम इमेज, इंस्टाग्राम वीडियो और इंस्टाग्राम प्रोफाइल। जैसे कि मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम से कोई फोटो डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। इंस्टाग्राम से जो भी इमेज आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको कॉपी लिंक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद आप ईशान मीडिया डाउनलोडर एप्लीकेशन में आ जाएंगे और आप यहाँ पेस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप फेच डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इमेज का प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। प्रीव्यू आप यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इमेज डाउनलोड हो चुकी है HD क्वालिटी में। इसी तरह से अगर आपको इंस्टाग्राम से कोई वीडियो डाउनलोड करना है तो आप यहाँ सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जो वीडियो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसमें भी आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप आएंगे ईशान मीडिया डाउनलोडर में और आप यहाँ पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, फेच डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स यहाँ पर फेच हो जाएगी और आपको प्रीव्यू भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वीडियो का। इसके बाद आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वीडियो भी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप WhatsApp के स्टेटस वीडियोस को और इमेजेस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ WhatsApp पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, इमेज सेवर और वीडियो स्टेटस। आपके कॉन्टेक्ट ने जितने भी इमेजेस लगाए हुए हैं अपने स्टेटस पर वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। जिसे भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप ओपन करेंगे और नीचे यहाँ पर देखिए डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेटस आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। इसी तरह से वीडियो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके कॉन्टेक्ट ने जितनी भी वीडियोस स्टेटस पर लगाई हुई है वो सब यहाँ पर आ जाएगी और आप यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके यहाँ से इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फेसबुक। आप फेसबुक से भी कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ फेसबुक को ओपन करेंगे या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर डायरेक्ट फेसबुक में लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। फेसबुक से आप जिस वीडियो को भी डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप ईशान मीडिया डाउनलोडर में आएंगे और आप यहाँ पेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फेच डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ टूल्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास कोई वीडियो है और आप उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चूज कर लेंगे जहाँ पर भी आपका वीडियो रखा हुआ है। जैसे कि हम इस वीडियो को यहाँ पर चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आप फॉर्मेट चूज कर लेंगे MP3। इसके बाद यहाँ से आप क्वालिटी चूज कर लेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैप्चर इमेज से आप किसी भी वीडियो से कोई इमेज कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप वीडियो चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को प्ले करेंगे और जिस शॉट को भी आप कैप्चर करना चाहते हैं वहां पर लाएंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए शॉट कैप्चर हो गया। ये वीडियो कॉपीराइट फ्री है, इसे कोई भी डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है, उसको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी।